अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हेलो व्यूवर्स, आज की हमारी रेसिपी है चटनी। आज हम दो किस्म की चटनी बनाएंगे, हरी चटनी और मीठी चटनी। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा सा पुदीना, 6 हम हरी मिर्च लेंगे और थोड़ा सा लहसुन लेंगे, थोड़ा सा हम हरा धनिया लेंगे। ये सारे मसालों को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। जार में हम ये सारे मसालों को ऐड कर लेंगे। 2 चम्मच हम इसमें विनेगर भी ऐड करेंगे। विनेगर ऐड करने से चटनी का कलर बरकरार रहता है, ग्रीन, एकदम ग्रीन कलर की चटनी नजर आएगी। अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम पुदीना। पुदीने को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब ऐड करेंगे हम हरा धनिया। इस सारी चीजों को हम अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक और 1 चम्मच इसमें नींबू का रस भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर तैयार है हमारी ग्रीन कलर की चटनी। अब बनाएंगे हम मीठी चटनी। यहाँ पर हमने 150 ग्राम इमली ली है। इमली को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसको अलग अलग कर लिया है। 2 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे खजूर। खजूर को हमने 4 घंटे पहले भिगा के रखा था और इसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। ड्राई खजूर लिया था हमने। आप इसकी जगह पैंड खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच साबित धनिया, 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच हम यहाँ पर सौंफ ऐड करेंगे और ये सारे चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 15 मिनट हम इसे फुल फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इमली अच्छे से गल चुकी है और बहुत प्यारा मुस्कुरा रही है। अब हम इसे छन्नी में छान लेंगे। इमली की चटनी में खजूर, जीरा, धनिया और सौंफ का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा आता है। आप इसे बनाकर एक जार में आप स्टोर कर भी रख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे ये दोनों भी चटनियाँ। ये इमली का पल्प हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने सारा पल्प निकाल लिया है और इसे हम और 20 मिनट के लिए पकाएंगे। उसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। 250 ग्राम हम यहाँ पर गुड़ ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे। 1/2 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मीठी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे चाट मसाले से गार्निश करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।